हेलो गाइस, मैं राजा आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ITS एंड कैरियर पर। आज हम HPPSC में न्यू यूजर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी प्रोफाइल या डिटेल जैसे कि एजुकेशन एक्सपीरियंस या इमेज या साइन कैसे फिल करेंगे वो देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर वीडियो अच्छी लगती है गाइस तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको HPPSC की वेबसाइट पे विजिट करना है, HPPSC। ठीक है, HPPSC की साइट पे विजिट करने के बाद, तो इनकी साइट पे विजिट करने के बाद हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम इनके लॉग इन पेज पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से हम न्यू यूजर आईडी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेल आईडी हम एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन हम अपने यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सिक्योरिटी आंसर हम सेट करेंगे। पासवर्ड सेट करेंगे यूजर आईडी का, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, सिक्योरिटी की एंटर करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस डिटेल पे आपने जो है रजिस्ट्रेशन करना है, तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपको देखिए इनका एक्टिवेशन लिंक इस मेल आईडी पे आपको आ गया होगा और एक ओटीपी इस नंबर पे आपको आया होगा जो आपने यहाँ पे मेल एंटर की है, उसको ओपन करेंगे। बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे देखिए HPPSC का मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन लिंक शो हो रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा वो यहाँ पे आप फिल करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये हो रहा है यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुली आपका। देखिए जो आपने मेल एंटर की है और आपने जो फोन नंबर एंटर किया है वो दोनों मैच होने चाहिए। ठीक है, पहले आपको लिंक आया होगा, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको जो मोबाइल पे ओटीपी आया होगा वो एंटर करना है। ठीक है, इसके बाद हम लॉग इन पेज पे जाते हैं। लॉगिन पेज पर यहाँ पे यूजर आईडी जो हमारी जो हमने मेल एंटर की थी वही हमारी यूजर आईडी यहाँ पे डालनी है। हमने पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पे एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है। ठीक है, और फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम इनके एप्लीकेशन फॉर्म में पहुंच जाते हैं। तो यहाँ से हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, जो प्रोफाइल है उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फादर नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे देखिए मदर नेम एंटर करेंगे, स्टेटस मैरिड में अनमैरिड, मैरिड है या डिवोर्स्ड है वो एंटर करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क एंटर करेंगे, कोई आपके निशान हो बॉडी पे वो यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, आप बोनाफाइड ऑफ HP हो तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बोनाफाइड ऑफ HP हम यहाँ पे चूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टेट टू बीच यू बिलोंग, तो कौन सी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो वो यहाँ पे एंटर करेंगे। कैटेगरी यहाँ से एंटर करेंगे, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे सब कैटेगरी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, नेशनैलिटी में इंडियन डाल देंगे, रिलीजन में हिंदुज्म सेलेक्ट करेंगे, मिनोरिटी अगर आपकी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अगर आपने नाम दर्ज करवाया तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे तो हम यस करेंगे और यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट का नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जो है सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक बार आपको ये पूछ रहा है कि आपकी जो डिटेल है वो सही है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पॉपअप शो हो रहा है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहते हो, तो यस पे क्लिक करेंगे और हमारे पास देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन ओपन होता है। तो मोबाइल नंबर यहाँ से चेक करेंगे, ईमेल चेक करेंगे, अगर एडिट करना होगा तो यहाँ से एडिट कर लेंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे जहाँ पे अभी आप बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, रह रहे हो वो वाला, आप यहाँ पे अपने घर वाला भी एंटर कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस,
ठीक है, तहसील वहाँ से डिस्ट्रिक्ट पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, स्टेट यहाँ पे एंटर करेंगे, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सी बिलोंग करते हैं, ठीक है। परमानेंट एड्रेस, आप परमानेंट एड्रेस आप चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको सेम रखना है तो यहाँ पे सेम एज अब पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यस पे क्लिक करने के बाद देखिए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी स्टेटस डन हो गया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे एड न्यू क्वालिफिकेशन पे एंटर करेंगे, यहाँ से हम जो है 10th चूज करते हैं। 10th चूज करने के बाद क्वालिफिकेशन 10th जनरल, बोर्ड कौन सा है, एचपी बोस, स्कूल का नाम गवर्नमेंट, अपने स्कूल का इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डाल देंगे, मेंशन करेंगे। यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट स्टेटस पास है तो पास करेंगे, कब आपने किया था वो यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज कितने थे वो एंटर करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, इशू कब हुआ है आपको वो यहाँ पे एंटर करेंगे, कब हुआ था, अगस्त में, ठीक है। वैलिड अप टू डेट पे ब्लैंक का आप छोड़ सकते हैं। चूज फाइल, यहाँ से कोई एक फाइल चूज करेंगे, 10th की सर्टिफिकेट की फाइल आप यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है। सेव क्वालिफिकेशन पे एंटर करेंगे, यस करेंगे, तो आपके पास देखिए 10th का जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच हो गया, 10th की डिटेल यहाँ पे ऐड होगी। अब आपने कोई और, अब हमने प्लस टू ऐड करवाना है तो यहाँ पे प्लस टू करेंगे, 12th करेंगे, कौन से इसमें किया, कॉमर्स में, ठीक है। एचपी बोस यहाँ पे आ जाएगा, इंस्टीट्यूट या स्कूल का नाम, ठीक है। सब्जेक्ट फील्ड यहाँ पे मेंशन करेंगे ऑल, रिजल्ट पास है तो पास का, पासिंग ईयर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। परसेंटेज मार्क्स यहाँ पे एंटर करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, इशू कब हुआ था आपको ये वो एंटर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सेव क्वालिफिकेशन पे एंड सेव क्वालिफिकेशन पे एंटर करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे 12th की हमारी क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है। अब इसके बाद हमने, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री या कोई और क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पे एंटर करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं 10th और प्लस टू ही एंटर कर रहा हूँ, इसके बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फोटोग्राफ और सिग्नेचर का सेक्शन ओपन हो गया, तो इसके बाद हम देखिए यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपना फोटो सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा फोटो अपलोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका जो है फोटो का साइज 10 KB से कम और 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जेपीजी जेपीईजी पीएनजी फाइल में ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये फोटो अपलोड नहीं होगा, और साथ में फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर भी आपका होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फाइल और अपलोड कर देंगे, ये भी देखिए 10 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका फोटो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास कोई फाइल है 157 KB की फाइल है जेपीजी, इसको मैं अपलोड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे वार्निंग दे रहा है, फाइल साइज विल बी ग्रेटर देन 10 KB एंड लेस देन 100 KB, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं चूज फाइल यहाँ पे करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपना फोटो, देखिए मेरा फोटो 26 KB है, तो अब देखते हैं ये अपलोड होगा, देखिए यहाँ पे अपलोड हो गया, तो आपका ये 100 KB और 10 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर का भी यहाँ पे शो कर रहा है, सिग्नेचर का यहाँ पे कितना इसका साइज है, 10 KB टू 50 KB यहाँ पे सिग्नेचर का साइन यहाँ पे सिग्नेचर का साइज यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसके बीच में होना चाहिए तभी आपका अपलोड होगा, ठीक है। इसके बाद मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा, अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये बोल रहा है फोटो शुड बी, देखिए एक और एरर दे दी इसने कि आपका जो फोटो है वो इस डायमेंशनल के बीच में होना चाहिए तभी आपका फोटो अपलोड होगा, अदरवाइज आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां से
ऑनलाइन इसको जो है इस साइज के बीच में एंटर करेंगे। अंडर 10 KB टू 100 KB रिसाइज इमेज पे क्लिक करने के बाद हम यहां से अपलोड फाइल सिलेक्ट करेंगे, फाइल चूज करेंगे यहां से। इस फाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए मैंने सिलेक्ट फाइल कर दी। इसके बाद देखिए मेरे पास यहां पे ये वेट और हाइट इसके अंडर आ गया। इसके बाद यहां पे ठीक है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया। अब देखते हैं हम इसको कि ये वाली हमारी इमेज अपलोड होती है या नहीं। तो यहाँ पे हमने डाउनलोड में यहाँ से हमने डाउनलोड पे क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन करना है। अब यहाँ पे ये वाली फाइल तो हमारी डाउनलोड होगी। अब इसको चेक करते हैं और सिग्नेचर, सिग्नेचर भी इसने वैसे बोला हुआ है पर हम फिर भी एक बार इसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि ये हमारा होगा या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिग्नेचर भी चेक करके देखते हैं कि ये अपलोड होगा या नहीं होगा या एरर देगा। तो देखिए हमारा अब फोटोग्राफ और सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनका डायमेंशनल चेंज कर सकते हैं 3.5x4.5 के बीच में। ठीक है, अगर आपने किसी फोटोग्राफ का साइज कम करना है जैसे मान लो या ज्यादा करना है तो हम क्या करेंगे, जो आपका फोटोग्राफ है उसको सिलेक्ट करेंगे, जो आपका फोटो है उसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन विद हम जो है पेंट करेंगे। तो यहाँ से आप देखिए इमेज का साइज अगर आपने इंक्रीज, किसी इमेज का साइज आपने इंक्रीज करना है ठीक है, तो यहाँ पे आप रिसाइज के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से पिक्सल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में आप इनका साइज बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आप साइज एंटर करने के बाद यहाँ पे क्लोज पे सेव पे क्लिक करेंगे तो अब आप वहां पे देख सकते हैं कि इसका साइज आपके पास 50.9 KB हो गया। ठीक है, अगर आपने इसका साइज कम करना है तो ओपन विद पे जाएंगे, पेंट पे क्लिक करेंगे। पेंट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने इसका साइज कम करना है तो पिक्सल पे जाएंगे, 600 से इसको 550 हम यहाँ पे कर देते हैं और इसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम जो है इसको सेव करते हैं। तो अब आप उस फाइल को यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना इसका साइज हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले इसका साइज ज़्यादा था और अब इसका साइज देखिए 20.5 KB हो गया है। तो इस तरीके से आप अपने फोटो या सिग्नेचर का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड हो गया है। तो अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस वाला सेक्शन ओपन होता है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करेंगे, अदरवाइज आपके पास नहीं है तो नो करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कब से आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। किसी पोस्ट पे आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। ठीक है, वर्क सेक्टर कौन सा है, पब्लिक गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे। वर्क प्रोफाइल क्या क्या रहता है वो यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, जो जो भी आपने यहाँ पे जो जो भी आपका वर्क रहता है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कोई दूसरा एक्सपीरियंस भी है तो ऐड पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे टिल डेट मुझे आज तक की ही डालनी पड़ेगी, यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस काउंट हो गया। अगर आपने कोई दूसरा करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास दूसरा एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस का फोटोग्राफ क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस का
फोटो या फाइल अपलोड करने को यहाँ पे मेंशन कर रहा है। तो देखिए 10th का मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो इसके बाद मैं यहाँ पे 12th का पीडीएफ या फाइल अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे मैं 12th की फाइल अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 12th की फाइल अपलोड हो गई है, यहाँ से मैं व्यू भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस क्यों बोल रहा है, एक्सपीरियंस का अपलोड करने को बोल रहा है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की फाइल अपलोड करेंगे। और ये देखिए ओनली पीडीएफ फाइल ही होनी चाहिए और 10 KB के ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं अपलोड करूँगा तो उस फाइल, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस की फाइल, इसमें मैं इसको चूज़ कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से अच्छा यहाँ पे करंट डेटा आप मेंशन कर देंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्सपीरियंस की फाइल भी अपलोड हो गई है, यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से आपने जो है अपनी जो है प्रोफाइल यहाँ पे जो हमने यूजर आईडी क्रिएट की थी उसको पूरी तरह से फिल कर लिया है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, इमेजेस, सिग्नेचर्स, फोटो, वर्क एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूरे की पूरी फाइल यहाँ पे पूरे की पूरी डिटेल यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। अगर आपने कोई एडिट करनी है कोई डिटेल, जैसे आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन एडिट करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एड न्यू क्वालिफिकेशन पे क्लिक करके यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज HPPSC की पोस्टें कुछ ऐसी होती है जो आपकी यहाँ से क्वालिफिकेशन डायरेक्टली मैच करता है, उसके बाद ही आपको पोस्ट की अप्लाई ऑप्शन शो करता है आपके होम पेज पे या डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आपने जितने भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद ही आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपडेट प्रोफाइल इनकी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कुछ भी एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं इनके होम पेज पे जाता हूँ। होम पेज पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट शो करेगा अगर मैं क्वालिफाइड होता हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे पास +2 है, तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज इसके लिए मेरे पास ऑप्शन नहीं आना था, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इन अपनी यूजर आईडी क्रिएट करके और अपना अकाउंट HPPSC पे क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखिए ऑल एडवर्टीजमेंट से मैं इनकी चेक कर सकता हूँ। तो गाइज आज हमने HPPSC में न्यू यूजर आईडी कैसे क्रिएट करते हैं और उसकी प्रोफाइल या डिटेल कैसे फिल करते हैं वो देखा। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।